मकर संक्रांति आरंभ होता गंगा सागर मेला भारत बर्षर बृहत्तम तीर्थस्थल अन्यतम पश्चिम बंगर दक्षिण चौबीस परगना जिला सागर द्वीप प्रत्येक वर्ष माघमास आरंभ में गंगा सागर मेला होता है। पश्चिम बंग भूभागर दक्षिण से बंगोपसागर मध्य द्वीप होता मेला को देश विदेश श्रद्धालु आसी मेला को नहीं सृष्टि आध्यात्मिक वातावरण और उत्ताल लहड़ीर आनंद नियंती पर्यटक गंगा सागर मेलार उद्भव काल केबे ताहा कहिबा सहज नुहे। कहा जाए गंगा हिमालय पर्वतर बाहरी सात धारा गंगा जमुना सरस्वती रथस्था सरजू गोमती और गंडक प्रवाहित हो सागर में समाहित होता है। गंगा सागर अन्य ना मोक्ष बोली धरा जाए। विरासत हम लोग की विभिन्न धार्मिक नगरी है, जो नदियां पवित्र नदियां हैं और यहां पर गंगा का यहां पर मिलन हुआ है सागर से, गंगा सागर के नाम दिए गंगा। हमारा ये सांस्कृतिक जो है एकरूपता की झलक मिलती है इससे, ठीक है। संत समागम होता है, जनता की भाषाओं का आस्था का ये मिलन है। संतुष्टि के लिए आए हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था है, हम लोग व्यवस्था से काफ़ी प्रभावित हैं, प्रसन्न हैं। कितना साल से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो पहली बार आया हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अनुभव मिला है, ईश्वर का दर्शन करना आनंद में होता ही। एठारे थिबा कपिल मुनि मंदिर गंगा सागर मेलार मुख्य आकर्षण पलटि थाए। कहुए कपिल मुनि ही स्वयं भगवान विष्णुंकर अवतार। किंवदंती अछि राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करुथिले, यज्ञ बेले अश्व फिटियासी कपिल मुनि आश्रम पहुंचीला। सगर राजांकर 60,000 पुत्र घोड़ा को खोजी खोजी आसी आश्रम पहुंचीले। घोड़ाटी कपिल मुनि चोराइथिबा भाभी आश्रम भंगारुजा करिथिले। यहाँ नहीं क्रोधरे आसी कपिल मुनि से अभिशाप देते। अभिशाप्रु पुत्र मुक्ति देवा लगी राजा अंशुमान दिलीप और परे भगीरथ कठिन तपस्या करी माँ गंगा स्वर्गर आनी पृथ्वी में पहुंचाई। आ 60,000 पुत्र गंगा सगर से सापमुक्त होते। स्थानीय सापमुक्ति पौष संक्रांति गंगा सगर से बुड़ पकाइले पुण्य होता है विश्वास रही। ख्रीष्टाब्द 437 रे एठारे कपिल मुनि मंदिर निर्माण होइथिला। ये चोर है, ढोंगी है, ये है वो करने ले, जब कोलाहल हुआ मुनि जी का नेत्र खुला, तो इनके नेत्र खुलने से इनके क्रोध से 60,000 पुत्र भस्म हो गए। तो उनका जो है पोता अंशुमान वो आया, तो उनसे मुनि जी से पूछा कि ये हमारे जो है ये घोड़ा हमने यहाँ हमारा है और हमारे पूर्वज कहाँ गए। तो उन्होंने कहा कि ये ढेर लगी राख की और ये भस्म हो गए हैं। तो उन्होंने जो है कहा कि जब गंगा जी आएंगी तो इनका मुक्ति उद्धार होगा। तो राजा सगर के जो है राजा सगर को जाके उन्होंने घोड़ा ले गए, यज्ञ का संपन्न कराया और घोड़े का उसके बाद राजा सगर को जब बताया तो राजा सगर ने तपस्या करने के निकल गए। उसके बाद अंशुमान निकल गए, दिलीप निकल गए, राजा भगीरथ उसी वंश में हुए, उन्होंने गंगा जी का तपस्या घोर किया और गंगा जी को प्रसन्न किया और गंगा जी को यहाँ ला करके अपने पूर्वजों का उद्धार किया। कपिल मुनि जी का ये बहुत बड़ा महत्व और 24वां अवतार में उनका एक अवतार कपिल मुनि भगवान का है। कोलकातारु सागर द्वीप को यातायात कपिल मुनि मंदिर दर्शन करने और सागर द्वीप में बुड़ पकाइबा एवं सुगम हो गला। पश्चिम बंग सरकार प्रति वर्ष गंगा सागर मेलार उन्नति पाई पदक्षेप ने वर्ष सारा नागा सन्यासी एठारे साधना करिथांती। प्रत्येक वर्ष जगद्गुरु शंकराचार्य मध्य गंगा सागर मेलारे बुड़ पकाई थांती। जलेश्वर अजित दासंग रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।